अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है सूजी की पोटे वाली सवैयाँ। चलें देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो सूजी की पोटे की सवैयाँ हैं और ये 1.5 कप मैंने चीनी ली है। मैं जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालूँगी चीनी। ये आधा कप घी, ये फूड कलर है तीनों, ग्रीन, येलो और रेड। और ये 2 टेबलस्पून बादाम कटे हुए, 2 टेबलस्पून पिस्ता कटा हुआ, 1 टेबलस्पून किशमिश है और ये 3 इलायची हैं जिनको मैंने खोल लिया है। 1 गिलास मैंने पानी लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, चूल्हा मैंने जला लिया है। मैं 1/2 कप घी डाल दिया है। अब मैं इसमें जो 3 इलायचियाँ थी इनके मुँह खोल दिए हैं, ये डाल दूँगी। ये इलायचियाँ कड़कड़ाने लग गई हैं। अब मैं इसमें ये सवैया डाल दूँगी। अब इसको हम भूनेंगे घी में। इसको मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि ये सूजी की खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये 2 मिनट हो गए। इसी तरह मैं इसको 2 फ्लेम पे घी में भून रही हूँ। अब इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और इससे खुशबू भी इसमें से आने लग गई है सूजी की। और 1 मिनट में इसको और भूनूंगी। ये खाने में ज़रदा, इसका खाने में बहुत ही मज़े का होता है। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मैं इसी तरह इसको लो फ्लेम में घी के अंदर भून रही हूँ। अब ये इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पहले मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी। ये इसमें 2 गिलास पानी गया है, बस इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। ये 2 गिलास इसमें पानी चला गया है। 1/2 किलो सवैयाँ थी, ये चीनी 1.5 कप जो ली थी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें 1 कप चीनी डालूँगी। इसको मैं पकने दूँगी मीडियम आंच पे। और इसमें ये किशमिश शामिल कर दूँगी। ये इसमें मैंने पहले 1 कप चीनी डाली थी, अब मैंने चेक किया इसमें पूरा 1.5 कप चीनी का जाएगा। और इसमें 2 गिलास पानी किया है। अब ये पकने देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए इसमें। ये 2 गिलास पानी डाला था, ये काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये कुछ बादाम और ये पिस्ता और इसको हम मिक्स करूँगी। अब इसमें डालूँगी ये ग्रीन वाला कलर, ये येलो, ये रेड। और अब इसको मैं कवर कर दूंगी। अब इसको मैं दम लगा दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके। 3 से 4 मिनट हो गया, मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि सवैयों को दम आ जाए। सवैयाँ बिल्कुल तैयार है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अब ये डिश बिल्कुल रेडी है। सूजी की पोटे वाली सवैयाँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।